Yo, hello there guys, what's up? Welcome back to my channel Clash with Aways, जहाँ मैं आपको सिखाता हूँ Clash of Clans की strategies, जो आपको easily 3 star दिला सके home base and builder base दोनों में. Yo guys, बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो डाला है, थोड़ा बिजी था इसके लिए, लेकिन मैंने कई सारे शॉर्ट्स डाले और उस पर कई सारे कमेंट्स आए, व्यूज आए और सब्सक्राइबर्स भी बढ़े. तो चलिए फिर एक और सेशन के लिए तैयार हो जाइए, CWL सेशन. पहले भी मैं एक सेशन कर चुका हूँ CWL का, सारे 7 days के बैटल्स मैंने आपको बताए और अब इस वीडियो में स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं CWL की. तो कैसे स्टार्ट करना है वो आपको बताता हूँ पूरा, और फिर स्टार्ट करने के बाद क्या क्या करना है, और फिर कल हम जाएंगे Day 1 लाइव में. यो गाइस, तो जो लोग चैनल पे नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आपको सारे नए नोटिफिकेशन मिल जाए. तो चलिए गाइस, फिर बढ़ते हैं हम आज के वीडियो की तरफ, स्टार्ट करेंगे CWL. ये देख लिया आप, ये है हमारा क्लैन इंडियन क्लैशर्स, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी. CWL के बाद आइएगा और आप हमारी वॉर विन स्ट्रिक देख सकते हैं, 8 वॉर जीत चुके हैं. वॉर लॉग दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए क्लासिक वॉर्स देखिए, कितनी सारी वॉर्स हम जीत चुके हैं. तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं CWL. CWL में हमारी लीग है गोल्ड लीग 2. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वॉर CWL. तो अब CWL स्टार्ट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है. पहले तो मेंबर्स आपको सिलेक्ट करने, 15 या 30, तो वो आपके ऊपर है. मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ 30 मेंबर्स, और याद रखिएगा जो भी मेंबर्स है सबको सिलेक्ट करिएगा ताकि कुछ ना कुछ मेडल्स तो सबको मिल जाए. देखिए मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ और बाद में अपने आप सिलेक्ट करूँगा कि कौन से मेंबर्स रखने हैं मुझे वॉर में और कौन से नहीं रखने. आप उसमें शफल भी कर सकते या तो सेम कॉन्स्टेंट भी रख सकते. अगर आपको ये है कि सबको मेडल्स बराबर मिलने चाहिए तो आप शफलिंग कीजिए, नहीं अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो आप सेम प्लेयर्स रखिए जो हाई है. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं CWL. ज्वाइन लीग पे हम करेंगे क्लिक. तो सर्चिंग स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप, सर्चिंग फॉर ओपोनेंट क्लैंस. 30 की वॉर लगाई है मैंने और प्लेयर्स जो हमारे क्लैन में 45 है, तो मैंने सारे प्लेयर्स को लिया है, देख सकते हैं आप. और अब जैसे CWL के अपोनेंट्स मिल जाएंगे तो हम डोनेशन स्टार्ट कर देंगे. देखिए मैसेज आ चुका है, क्लैन वॉर लीग सर्च स्टार्ट हो चुका है. तो अब क्लैन वॉर्स के थोड़े आपको रूल्स बता देता हूँ मैं. क्लैन वॉर्स में क्या होता है, पहले जो आपको बताया 15 या 30 की क्लैन वॉर करनी है हमें, और फिर आपकी लीग के हिसाब से आपको मेडल्स मिलेंगे. जितनी लीग कम होगी उतने कम मेडल्स मिलेंगे, जितनी लीग हाई होगी उतने हाई मेडल्स मिलेंगे. और मेडल्स जो है वो आते हैं हमारी लीग शॉप में. देखिए मेरे पास 441 पड़े, मैं जो है वो TH10 के लिए कलेक्ट कर रहा हूँ मेडल्स, TH9 पे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा. तो जितनी बड़ी लीग उतने ज़्यादा लीग मेडल्स. तो आप अपने क्लैन की लीग बढ़ाने के लिए आपको अच्छी वॉर CWL खेलना पड़ेगी, और टफ ओपोनेंट आए तो अपने पास भी टफ प्लेयर होने चाहिए. तो नेक्स्ट पॉइंट CWL का है कि हम सिर्फ एक वॉर अटैक कर सकते हैं. जो नॉर्मल वॉर होता है उसमें हम 2 वॉर अटैक करते हैं, लेकिन CWL में हम सिर्फ एक वॉर अटैक कर सकते हैं. तो सोच समझ कर अटैक करिएगा, अपने सारे प्लेयर्स को भी समझाइएगा कि सोच समझ के अटैक करें, बेस्ट अटैक करें. और CWL के टाइम पे कभी भी अपने हीरो अपग्रेड पर मत डालिएगा. अगर आपके पास बुक है तो आप कर सकते हैं, बुक नहीं हो तो कभी भी हीरो अपग्रेड पर मत डालिएगा, उससे आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है. और बेस्ट स्ट्रेटजी यूज़ करने की. चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं CWL का. नेक्स्ट है वॉर डोनेशंस. देखिए CWL में टोटल 8 क्लैंस खेलते हैं. 8 क्लैंस में से जो 2 क्लैंस टॉप 2 पे आएंगे वो होंगे प्रमोट,
और जो बाकी के क्लैंस है मतलब 3 से 7 पोजीशन तक है, 3 से 6 पोजीशन तक के क्लैंस वो सेम लीग में मेंटेन रहेंगे, और जो लास्ट 2 पोजीशन पे यानी कि 7 और 8 वो 2 क्लैंस होंगे डीमोट। ये सेम अपनी ट्रॉफीज जैसा है, जैसे उसमें लीग डीमोट और प्रमोट होती है वैसा। तो नेक्स्ट पॉइंट है CWL का कि वॉर्स जो है वो कंटिन्यूस होगी, यानी कि अब 8 क्लैंस है टोटल, तो आप अपने क्लैन के सिवाय बाकी सारे क्लैंस से वॉर्स लड़ेंगे, यानी कि 7 वॉर्स होगी। तो जैसे नॉर्मल वॉर में होता है कि एक दिन प्रिपेरेशन का होता है और एक दिन बैटल का होता है, तो इसमें क्या है, पहला दिन आपको प्रिपेरेशन का मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट वॉर में प्रिपेरेशन हो रहा है, और फिर जैसे ही वो वॉर स्टार्ट होगी तो जो फर्स्ट वॉर का है उसका बैटल डे चलेगा, और साइमल्टेनियसली साथ ही साथ सेकेंड वॉर का है जो वो प्रिपेरेशन डे भी चलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर फर्स्ट वॉर में आपने अटैक किया तो आपको साथ ही साथ सेकेंड वॉर में डोनेशन भी स्टार्ट कर देना पड़ेगा, नहीं तो आपका सेकेंड वॉर का डोनेशन छूट जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है CWL में अटैक कैसे करें। CWL में अटैक के लिए कई सारी स्ट्रेटजीज है, जो आपका टाउन हॉल है उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी चूज कर रहा है। मेरे चैनल पे कई सारी स्ट्रेटजीज है टाउन हॉल 10, 11, 12 के लिए, तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। टाउन हॉल 9 की स्ट्रेटजी में मैं डालने वाला हूँ, सो उसके लिए स्टे ट्यून गाइस, मैं डालने वाला हूँ टाउन हॉल 10 की स्ट्रेटजी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वॉर डोनेशन की। टिल देन स्टे ट्यून गाइस, सी यू, बाय बाय गाइस।